वेलकम टू अनादर वीडियो आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ एक डेटा एंट्री की जॉब नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको ये सब नहीं बोलूंगी कि आपको ये वेबसाइट में जाना है वो वेबसाइट में जाना है आज जिस जॉब के बारे में हम बात करेंगे वो डायरेक्टली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो जॉब नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है दोस्तों ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं इनकी बहुत सारे इंफॉर्मेश्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स के बारे में पेरेंट्स के बारे में अलावा इसके भी अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकी होती है जो इनको डेटा ऑपरेटर्स के

इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे ट्रिक जिसको आजमा के आप अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ है जॉब मिलने का डेटा एंट्री की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो चलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चलते मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर पूरा डिटेल्स देख लेंगे काम के बारे में इवन वो ट्रिक के बारे में भी जान लेंगे चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेकिन उससे पहले ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर हमें लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को हमारे साथ बने रहिए हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर एंड सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर तो चलिए अभी देख लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का नाम है मेंटोर सिटी एंड ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से जाके डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर मेंटोर सिटी पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे लेकिन फिलहाल आज हम लोग रिमोट जॉब के बारे में बात करेंगे यानी कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करेंगे जो है यहाँ पे डेटा एंट्री की जॉब तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब आपको अवेलेबल तो मिलेंगे लेकिन हम अप्लाई करेंगे डेटा एंट्री की जॉब के लिए तो सेकंड ऑप्शन में आपको मिलेगा वहाँ पे आपकी जो लिखा हुआ है वहां पे आपको क्लिक करना है तो व्यू करने से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है डेटा तो तो को एंट्री करनी है जिसके लिए आपको एक लाइक मास्टर मिलेगा जो आपको गाइड करेंगे एंड किस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करना है वो भी आपको समझाया जाएगा अब घर घर पे बैठे ही ये जो डेटा है उसको एंट्री कर सकते हैं न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है वो यहां पे क्लियरली किया हुआ है सबसे पहला जो है डेटा एंट्री है इनपुट एंड अपडेट डेटा इंटू डेजिग्नेटेड डेटा बेस स्प्रेडशीट एंड अदर सिस्टम फॉलोइंग एस्टेब्लिश गाइडलाइन एंड आपको गाइडलाइन एंड प्रोसीडियर बताया जाएगा उसको फॉलो करके प्रॉपर जगह पर आपको डेटा को इनपुट करना है प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक्यूरेटली यहाँ पे काम करना है स्पीड एंड एफिशियंसी भी पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको विद स्पीड यहाँ पे काम करना है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई स्पीड में काम करना है एक मॉडरेट स्पीड में आपको यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जो है उसको अपलोड करना है मतलब बनाने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सीवी के लिए तो मैं आप आज आज के आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ जो आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल मिलेगा सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है कुछ वेबसाइट

को बनाना है पूरा आपको यहाँ पे सीवी बना के देंगे तो इसको सेव करना है इसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे पुट करना है देन आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको यहाँ पे पुट करना है तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान पे रखिएगा एक कॉन्टेक्ट नंबर आप मत दीजिए सिर्फ यहाँ पे एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर अगर हो सके तो दे दी दीजिए एंड सबसे पहला जो कांटेक्ट नंबर आप यहां पे देंगे ध्यान पे रखिए कि वहाँ पे आपका व्हाट्सएप जरूर होना चाहिए बिकॉज व्हाट्सएप के थ्रू वो लोग कनेक्ट करते हैं आपसे एंड ईमेल आईडी के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं पास में एक प्लास का साइन है आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर के पास जहाँ पे क्लिक करके आप एक्स्ट्रा जो फ़ोन नंबर्स है कॉन्टैक्ट नंबर्स है उसको ऐड कर सकते हैं एंड वहां पर डिलीट का भी ऑप्शन आप डिलीट भी कर सकते हैं सिमिलरली ई के लिए भी वही है डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको पास में जो एक साइन दिखाया जा रहा है वहाँ पर क्लिक करना है डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है जेंडर सिलेक्ट करना है करेंट सिटीसी मतलब अगर कहीं पर आप काम करते हैं तो आप आपका एनुअली आप कितना सैलरी वहाँ पे लेते हैं वो लिखना है अगर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है एजुकेशनल डिटेल्स में आपका जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्या एजुकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है जैसे कि यहाँ पे टाइप पे ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको वाह वो मैंशन करना जरूरी है तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मेंशन कर रही हूँ उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज आते हैं तो कोर्सेज पे भी कौन सा कोर्स आपने किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो भी आपका टाइप है लाइक एडुकेशन का उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ वही आपको करनी है ओके अब तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे स्पेशलाइजेशन जैसे कि ये मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में आपने किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कौन सी इंस्टीट्यूट में किए हैं कब से कब तक आपका ये कोर्स था ये आपको यहाँ पर लिखना है इसके बाद एक्स्ट्रा अगर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई वर्क लीन या फिर ऑनलाइन पोर्टफोट लिए वो आप दे सकते हैं जनरली ये पे इंपॉर्टेंट नहीं है जो वर्किंग है उनको ये पता है क्या होता है ना नीचे भी और एक बार आपको पे रिज्यूम यानी कि सीवी को अपलोड करना है तो उसके बाद सबमिट कर देना है अपने एप्लीकेशन को ना अभी बात करेंगे उस ट्रिक के बारे में जो आपकी जो लाइक सिलेक्शन की चांसेस है वो बढ़ा देगा जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है जो गूगल से आप इजीली ओपन कर सकते हैं एलिसन डॉट कॉम इसका नाम है यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे जो डेटा एंट्री की रिलेटेड होगी डेटा एंट्री के लिए जैसे कि एक्सेल ज़रूरत होता है डेटा एंट्री के लिए डेटा साइंस की कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है डेटा बेसिस की कुछ चीज़ें ज़रूरी होते हैं वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा जैसे कि बेसिक ऑफ टच टाइपिंग टच टाइपिंग भी एक डेटा एंट्री का ही पार्ट होता है तो आप वहाँ पर ईजिली ली तीन से चार दिन के अंदर ये जो कोर्सेस है इसको कंप्लीट कर सकते हैं फ्री में यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको तो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जब एप्लीकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तब भी जाके आप ये सर्टिफिकेट को शो करके अपनी जो प्रोबेबिलिटी है या फिर चांसेस है जॉब मिलने का उसको बढ़ा सकते हैं सो so, जल्दी से अप्लाई कीजिए कोई भी क्वेरी होता है कोई भी इशू होता है जरूर हमें बताइए कमेंट करके हम आपको हंड्रेड हेल्प करेंगे एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे एंड सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर हमारी टेलीग्राम जो चैनल है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा बिकॉज यूट्यूब से अलग दो जॉब फ्रेश जॉब हम डेली अपलोड करते हैं टेलीग्राम पे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय